हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट। टुडे आई विल डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 हु परसुइंग सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर 2021। एंड द नोटिस वाज दैट द रिटेड सिलेबस ऑफ सीबीएसई क्लास 10 हिंदी। मींस आज का वीडियो जो हमारा कवर करेगा, जिसमें कि मैं बताऊंगा डिलीटेड सिलेबस हिंदी का क्लास 10 का, मींस कौन से चैप्टर को हटाया गया है, कौन से चैप्टर को रिमूव किया गया है सेशन 2020-2021 में। मींस नेक्स्ट ईयर जो स्टूडेंट 2021 में एग्जामिनेशन देंगे क्लास 10 का सीबीएसई बोर्ड में, तो ये सब जो चैप्टर है वो हटाए गए हैं, वो सब के बारे में आज मैं यहाँ फुल डिटेल में डिस्कस करूंगा। इससे पहले मैंने मैथ और साइंस से डिस्कस किया था, जिसमें मैंने टॉपिक वाइज टॉपिक बताया था कि मैथ में किस चैप्टर से किस टॉपिक को हटाया गया, और साइंस में भी। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन दोनों वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, और आज का वीडियो में मैं बताऊंगा डिलीटेड सिलेबस हिंदी का क्लास 10 सीबीएसई। तो क्षितिज हमारा एक बुक आता है, दो बुक चलते हैं, कृतिका और क्षितिज, ठीक है। तो क्षितिज के लिए दो खंड आते हैं, एक तो आता है काव्य खंड, एक तो आता है गद्य खंड, ठीक है। तो काव्य खंड में कौन कौन से चैप्टर हटाए गए वो हम लोग देख लेते हैं। तो आप लोग बुक खोल के बैठ लो, ताकि जो जो मैं चैप्टर बताऊंगा उसे काट लेना, ठीक है। तो इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, और नोट की कंफ्यूजन के कारण फिर दूसरे चैप्टर को मत पढ़ देना जो जो आ नहीं रहा है। तो यहाँ से बुक निकाल लीजिए, और जो जो मैं यहाँ पर काटने बोलूंगा वो काट देना, ठीक है। तो काव्य खंड में चार चैप्टर हटाए गए हैं। कौन कौन से हटाए गए? पहला चैप्टर था देव, तो ये हटा दिया गया है, ठीक है। मीन्स ये 2021 में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। 2021 में ये देव चैप्टर नहीं आने वाला है। या दंतुरित मुस्कान फसल, मीन्स ये जो चैप्टर था काव्य खंड से, या दंतुरित मुस्कान और फसल एक साथ है, दोनों चैप्टर कंबाइन एक साथ है, तो ये चैप्टर भी नहीं पूछा जा रहा है 2021 के लिए। मींस सिलेबस बहुत ही इजी कर दिया गया है ड्यू टू कोविड-19 पैनाडेमिक के कारण। 30% हम लोगों का जो सिलेबस है वो रिड्यूस हो चुका है, ठीक है। तो छाया मत छूना काव्य खंड का ये भी एक पोयम है, जो ये भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से तीन चैप्टर और एक चैप्टर और है संगत का, तो ये भी नहीं आ रहा है। मीन्स काव्य खंड से चार चैप्टर हटाए गए, देव, एक दंतुरित मुस्कान, फसल या छाया मत छूना और संगत का। ये चार चैप्टर काव्य खंड से हटाए गए क्षितिज बुक से, ठीक है। अब दूसरा बुक आता है, नहीं, इसी बुक का दूसरा पार्ट आता है गद्य खंड। गद्य खंड में जिसमें कहानी रहता है, ठीक है। तो इससे भी चार चैप्टर हटाए गए। वो कौन कौन सा चैप्टर है? एक कहानी या भी, ये चैप्टर एक कहानी, ये भी, अभी ये भी नहीं आएगा, तो इसे भी आप गलत कर लो, क्रॉस मार्क का साइन दे लो कि मीन्स ये चैप्टर नहीं आ रहा है। स्त्री शिक्षा के विरोधी कृतकों का खंडन, मीन्स ये चैप्टर भी नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर एक चैप्टर का नाम है नौबत खाने में इबादत, तो ये भी चैप्टर नहीं आ रहा है काव्य खंड से, गद्य खंड से, ठीक है। फिर संस्कृति, ये भी चैप्टर रिमूव्ड हो चुका है 2021 में, जो स्टूडेंट अपीयर करेंगे सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन। मींस काव्य खंड से चार चैप्टर हटाए गए और गद्य खंड से चार चैप्टर हटाए गए हैं, मींस चार चार टोटल 8 चैप्टर हटा दिए गए हैं। तो ये बहुत ही इजी सिलेबस हो गया हिंदी के लिए, ठीक है। उसी तरह दूसरा बुक जो हम लोग का चलता है उसका नाम है कृतिका, ठीक है, कृतिका। और कृतिका से भी 2 चैप्टर हटाए गए हैं, और कृतिका बुक भी आप खोल ले ताकि वहां पर मार्क कर ली ये दोनों चैप्टर। ये चैप्टर शायद 4 और 5 होगा, यहाँ पर आप वहां पर आप देख के कंफर्म कर ले कि कौन कौन से नंबर का चैप्टर है, पर ये चैप्टर का नाम यही है जो 2 चैप्टर हटाए गए हैं। और पहला चैप्टर क्या है? यही ठहिया झुन्नी हैरानी हो रामा, तो ये चैप्टर भी कृतिका बुक से हटा दिया गया है सिर्फ सेशन 2020-2021 वाले के लिए, आगे के लिए नहीं है, ये हमेशा के लिए नहीं हटाया गया, सिर्फ 1 ईयर के लिए हटाया है ड्यू टू कोविड-19 पैनाडेमिक के कारण, ठीक है। और दूसरा चैप्टर मैं क्यों लिखता हूँ, और ये चैप्टर भी हटा दिया गया। तो इतने सारे चैप्टर हिंदी में हटा दिए गए, जो पहला बुक मेन बुक आता है क्षितिज, ठीक है, तो उससे काव्य खंड से 4 चैप्टर, गद्य खंड से 4 चैप्टर, और कृतिका जो सेकेंड बुक आता है हमारा क्लास 10 सीबीएसई के लिए,
उसमें से भी दो चैप्टर हटा दिए गए हैं। तो सिलेबस बहुत ही ईजी हो गया है यहाँ पर, ताकि आप लोग प्रिपरेशन कर सके अच्छी तरह से। तो ये था डिलीटेड सिलेबस ऑफ CBSE क्लास 10 हिंदी का। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड।